ईद का दिन है, ईद का दिन है और मैं अपने देश से कोसों दूर यहां परदेश में तन्हा होटल के कमरे में बैठा सोच रहा हूं। ईद का दिन है, ईद का दिन है, बाप मेरे ने शहर से आकर अपने घर में ईद मनाने वाले मेरे सब यारों से फर्दन फर्दन मेरे बारे पूछा होगा और फिर मेरे बारे उनकी लाइलमी से ढलता सूरज देख के उसने जाने क्या क्या सोचा होगा। मैं जिस लम्हे घर के सब अफराद की खुशियां लाने की कास जगा कर राखों में घर के सब अफराद को पीछे छोड़ आया था उस लम्हे को कोसा होगा। और वो ममता मारी जिसने अपने खून से सींच के मुझको यहां तक है परवान चढ़ाया, जिसकी गोद से सब कुछ सीखा, जिसने है इंसान बनाया। दिन भर उसने एक एक लम्हा मेरे बारे सोचा होगा। शाम ढले फिर रात गए मेरा रास्ता देखा होगा। माँ ने मेरे ना आने पर कब कुछ रात को खाया होगा, झूठी तिफल तसल्ली देकर घर भर ने समझाया होगा। तब भी उसको नींद कहां की, चैन कहां से पाया होगा, ईद का दिन है, और मैं अपने देश से कोसों दूर यहां पर देश में तन्हा होटल के कमरे में बैठा सोच रहा हूं। बच्चों को नहला धुला कर अच्छे से कपड़े पहना कर बीवी मेरी अब भी मेरे आ जाने की दिल में कोई आस जगाकर घर वालों से नजर बचाकर बाहर के दरवाजे जानिब चोरी चोरी तकती होगी और फिर मेरे ना आने पर उसके दिल में क्या क्या खदशे क्या क्या शकना आते होंगे। उसने ये भी सोचा होगा मैं परदेश में जाकर शायद पहले से कुछ बदल गया हूं, सारे वादे भूल गया हूं और मैं जो अपने घर से सबकी खुशियां लेने निकला हूं देश से कोसों दूर यहां पर देश में तन्हा होटल के कमरे में बैठा सोच रहा हूं। ईद का दिन है, खाली हाथों कैसे अपने घर को जाऊं, कैसे अपने घर को जाऊं।